नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वप्निल बैल मंत्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास टॉपिक पे है जिस ओर हमारा ध्यान कम जाता है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो जब इसके दूसरे पेज को मैंने पलटा तो इसमें देखा कि यहाँ पर कौशल विकास से संबंधित बातें हो रही थी और आत्मनिर्भरता से संबंधित बातें हो रही थी। तो आखिर ये हो किसके लिए रही थी? ये हो रही थी गाँव की महिलाओं के लिए। आज हमारी गाँव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कार्यरत है और पहले से भी थी। और लेकिन उससे पहले होता क्या था, गाँव की जो लेडीज़ थी उन्हें केवल जिम्मेदारी दी जाती थी घर का खाना बनाने की, घर के बर्तन की, घर के झाड़ू की, बस। वो घर वाले ये नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाके काम करे या कोई ऐसा काम करे, मतलब मानसिकता ऐसी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सिर्फ गांव में है, ये हमारे कल्चर में भी है और अभी भी है कि लेडीज़ काम नहीं करेंगी, लेडीज़ घर में रहेंगी और चूल्हा चौका संभालेंगी। लेकिन आज मैंने जब अखबार पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। राधिका ने लगा ली फैक्ट्री, शौक बन गया था थाली की रोटी। इनमें से जो महिलाएं हैं इन्होंने सोच लिया कि ये हमें बदलना है, इस बात को हम बदलेंगे। तो उन्होंने क्या चीज़ करा, स्वयं सहायता समूह। ये नाम बहुत लोगों के लिए नया होगा लेकिन जो बैंक के बैकग्राउंड से हैं वो लोग जानते होंगे। स्वयं सहायता समूह आजकल इन्हीं महिलाओं को, गांव की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या अनपढ़ महिलाएं भी हैं, इन लोगों को स्वरोजगार मुहैया करा रही है। किसके थ्रू? स्वयं सहायता समूह के। तो आखिर इसमें होता क्या है और कैसे ये खुलता है? दोस्तों देखो, जो स्वयं सहायता समूह है एक ऐसा समूह होता है जिसमें 10 महिलाएं होती हैं या 10 से ज़्यादा महिलाएं हो सकती हैं। उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है और एक सचिव होती है। और जो ग्राम का सचिव होता है उसके द्वारा एक लेटर बैंक में दिया जाता है कि इनका अकाउंट खोल दिया जाए। तो जो भी अकाउंट खुलता है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सचिव होती है उसके नाम से खुलता है। और 10 इसमें जो महिलाएं होती हैं अलग से या 7 महिलाएं अलग से जो होती हैं वो निरक्षर भी हो सकती हैं, लेकिन इन तीन का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इन तीनों के इसमें साइन ले लिए जाते हैं, उनकी मोहर भी होती है एक। तो उसके उससे वो लोग क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं बैंक से और बैंक में जमा भी करते हैं। तो एक स्वयं सहायता समूह खुल जाता है। अब मैंने एक पढ़ा यहाँ पर, एक थी राधिका पटेल जिन्होंने स्वयं सहायता समूह की मदद से चप्पल बनाने की फैक्ट्री शुरू की और वो धीरे धीरे बढ़कर उनके कई, जैसा हमने देखा होगा हम लोग जाते हैं ब्रांड के ऊपर कि इस ब्रांड के पहने, उस ब्रांड के चप्पल पहने, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी जो फैक्ट्री डाली 1-1.5 लाख रुपए में उसमें इनको सरकारी मदद भी मिली, सरकार ने इनकी मदद करी और इनका 1 लाख रुपए की सरकारी मदद हुई और 30,000 इन्होंने अपनी जो भी अपना पैसा होगा वो डाले और 1,30,000 की इन्होंने एक चप्पल बनाने की फैक्ट्री डाल दी। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी चारों ओर के जो लोकेशन होती है उनको देखा कि कहाँ पे चप्पलें बेची जा सकती हैं। तो उन लोगों से इन्होंने संपर्क किया और 50 रुपये में चप्पल इनको, सॉरी 50 रुपये में इन्होंने चप्पल जो बनी, पहले इन्होंने जो कच्चा माल है वो कानपुर से लाया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन चप्पलों को बनाया और 50 रुपये में दुकानदार को बेचा। और लेकिन इनकी जो लागत थी बनने की वो 30 से 40 रुपये थी, तो करीबन एक चप्पल में इनको 12 से 15 रुपये का मुनाफा हो जा रहा था। तो ऐसा ऐसा करके इन्होंने एक दिन में जो उनकी ग्रोथ हुई वो करीबन 1500 से 200 जोड़ी दिखा रहा है ये, 1500 से 200 जोड़ी की चप्पलें ये डेली की बेचती हैं और जितना भी इन लोगों का मुनाफा होता है ये आपस में बांट देती हैं। दूसरी महिलाएं एक थी, क्या नाम था इनका, सुमन। सुमन ने क्या किया, सुमन ने भी ऐसा ही एक डेकोरेशन का काम खोला और अपने साथ और महिलाओं को भी जोड़ दिया और एक स्वयं सहायता समूह बना दिया। तो होता क्या है, स्वयं सहायता समूह में जैसा कि मैंने आपको बताया एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। इन तीनों के जरिए ही अकाउंट का काम होता है, जो अकाउंट से निकालने हैं पैसे या जमा करने हैं वो इन तीनों के द्वारा ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस जो स्वयं सहायता समूह है इसे SHGB कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंग्लिश में कहते हैं। ये बनाने का मकसद यही होता है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, वो अपना रोजगार भी करें और आत्मनिर्भर भी बने और सरकार समय समय पर इनको काम भी देती है। जैसे कोई भी गांव का कोई काम हुआ, किसी बिजली से संबंधित या कोई भी नलकूप बनाना है तो इनको, इनके द्वारा क्या होता है, वो सामाजिक काम भी होता है।
तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है जो ये स्वयं सहायता समूह होते हैं इनकी महिलाएं, तो एक पूरा बन जाता है महिला स्वयं सहायता समूह। तो अकाउंट ये किसी भी नाम से खोल सकती है लेकिन आगे जुड़ता है स्वयं सहायता समूह। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, कि वो लोग महिलाओं को पीछे मत करें, उनको आगे बढ़ने दें और स्वयं सहायता समूह में एक समूह बना के ग्रामीण जो महिलाएं हैं अपने को स्वरोजगार में लाएं। आप लोग जैसे ही मैंने देखा है कि पहाड़ों से लोग पलायन कर रहे हैं और प्लेस में आ रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, तो उन्हें वहां पे जाके 7 से 8 हजार रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो 7 8 8 हजार रुपये तनख्वाह से अच्छा तो वो स्वयं अगर कोई रोजगार करे तो उससे भी कमा सकते हैं। कई हमारे, जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ, कई हमारे ऊपर के क्षेत्र हैं, पौड़ी के क्षेत्र हैं, चमोली के क्षेत्र में, वहाँ पे मशरूम का उत्पादन हो रहा है। सीखने भले ही वो ट्रेनिंग लेने भले ही देहरादून में आ रहे हैं, लेकिन उसका उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? उसका उत्पादन वो अपने ही ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं और उनको मार्केट भी आराम से मिल जाती है, या तो वो लोकल मार्केट ले लेते हैं या फिर उनका जो मशरूम है वो देहरादून में आता है या किसी भी बड़े शहर में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी उनको आगे बढ़ाएं और जो महिला स्वयं सहायता समूह है उसमें अकाउंट खुलवाइए, और जो भी ऐसी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को जरूर अपनाओ और उसमें उसी से ये महिलाएं क्या बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, और जो भी आदमी जो किसान है उनकी भी सहायता हो रहेगी, जो भी आदमी है वो अपनी जो वाइफ है उसकी मदद करे और वो भी चाहे तो इसमें ज्वाइन कर सकता है और उनकी मदद भी कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि मैं अखबार पढ़ रहा था सुबह, तो मैंने ये देखा कि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इस ओर आप ध्यान दीजिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र। और नेक्स्ट वीडियो कैसे लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।